नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी को चोर कहने के मामले में राहुल गांधी दोषी करारा, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को चोर कहने के मामले में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। ये मामला 2019 का है, जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनामा मोदी ही होता है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए पीएम मोदी को चोर कहने के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर कोर्ट ने दे दी बड़ी राहत, नहीं माना अपराध। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है और कोर्ट ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को अपराध नहीं माना है। अगली बड़ी खबर, मोदी हटाओ देश बचाओ के विरोध में दिल्ली में लगे केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के पोस्टर। यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कथित तौर पर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर दिल्ली भर में लगवाए, जिस पर राजनीति गर्मा गई और अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर जारीकर्ता का नाम दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दिया गया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर के जवाब में अरविंद केजरीवाल हटाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। अब दिल्ली के लुटियन जोन के मंडी हाउस के पास में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी विवादित पोस्टर मिले हैं। इस पोस्टर में निवेदक की जगह बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर्स पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी रंग ले लिया है। यही वजह है कि बुधवार को पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर सामने आने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ भी पोस्टर लगे मिले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर पर नीचे निवेदक में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम लिखा है, जबकि पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर में ना तो निवेदक का नाम लिखा था ना ही प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा था। दिल्ली में पोस्टर वार को लेकर बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान और रिश्वतखोर इंसान है, उन्होंने हर चीज में पैसे लिए और घोटाला किया। आदमी जब झूठ बोलता है तो अपना नाम छुपाता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने बिना नाम के पोस्टर जारी किए हैं, लेकिन मैंने अपने नाम के साथ दिल्ली में पोस्टर जारी किए हैं अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। उन्होंने कहा कि जब आदमी सच बोलता है तो उसको डर नहीं लगता। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी आज से करेगी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने किया ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली बजट 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान के बाद अब आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नया सियासी मोर्चा खोलने के बाद ऐलान किया है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान पोस्टर विवाद मामले में देश की राजधानी में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद किया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंकते हुए कहा कि वो आज दिल्ली के जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। आम आदमी पार्टी नेता एवं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी एक आम बैठक आयोजित करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर आयोजित इस बैठक के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक इकट्ठा होंगे। आम आदमी पार्टी इस बैठक के दौरान मोदी हटाओ देश बचाओ नामक अभियान शुरू करेगी। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को लेकर बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाओगे तो लोग कर देंगे अलग थलग। ये आपको बता दें कि दिल्ली से बाहर अपना सियासी कदम रखने के बाद आम आदमी पार्टी अब खुलकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी मैदान में उतरने को बेताब है, या यूं कहें कि पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली पोस्टर विवाद और उसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुलकर सामने आने के लिए विवश कर दिया है। यही वजह है
कि पोस्टर विवाद मामले में दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने देश के पीएम मोदी के खिलाफ मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो जो अभियान चला रहे हैं उसको अपना सियासी मुहिम बताने का उनमें साहस होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैनर और पोस्टर लगाने से पहले आम आदमी पार्टी को जान लेना चाहिए कि उसका प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने वाला अभियान उसे लोगों से अलग थलग करने वाला है। प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भले ही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए बैनर लगा रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि देश के लोग हर गुजरते दिन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को पहले से ज्यादा चाहने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी चुनाव होता है पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसीलिए पीएम मोदी के खिलाफ कोई भी अभियान शुरू करने से पहले आम आदमी पार्टी नेता एक बार गंभीरता से चिंतन मनन जरूर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि पीएम मोदी के खिलाफ मुहिम उन्हें खुद भारी ना पड़ जाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी की सादगी से जेपी नड्डा डर गए हैं, इसीलिए भाजपाई रोजाना लेते हैं राहुल गांधी का नाम। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के मुखिया डीके शिवकुमार ने भाजपा पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जेपी नड्डा को राहुल गांधी से डर लगता है, राहुल गांधी की सादगी ने भाजपा में डर पैदा कर दिया है, इसीलिए वे हर दिन राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, वे उन पर अप्रत्यक्ष रूप से भी हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाकर बड़ी गलती कर दी है, वे अब भ्रष्टाचार के जरिए तमिलनाडु को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची एक या दो दिन में जारी कर दी जाएगी। डीके शिवकुमार ने ऐलान कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, राहुल गांधी से जुड़ा है मामला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने 13 फरवरी को संसद पटल पर राजनाथ सिंह के भाषण में उनके नेता और पार्टी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को असंसदीय और अपमानजनक बताया है। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 13 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसदीय परंपराओं को दरकिनार करा बिना पूर्व सूचना के उनके नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमान सूचक वक्तव्य दिया। अन्य सदस्यों ने भी उनके बयान को दोहराया, जबकि सिंह ने ना तो सदन में दिए गए वक्तव्य का कोई भी आधार बताया ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया जो उनके बयान का समर्थन करता हो। टैगोर ने नोटिस में कहा कि संसद में राहुल गांधी को उनका पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया है, आरोपों पर वो अब तक अपनी सफाई नहीं दे पाए हैं, किसी संसद सदस्य का इस तरीके का अपमान संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए पास हुआ विधेयक, ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। यहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास में जनसंपर्क विभाग भी है, उन्होंने विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया और विधेयक पारित होने के बाद इसे ऐतिहासिक करार दिया। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति के पास में जांच के लिए भेजने की मांग की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में काम कर रहे मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकना और मीडिया कर्मियों और मीडिया संस्थानों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति पर कांग्रेस पार्टी ने की टिप्पणी, कहा यह क्लीन चिट समिति होगी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ समिति के पास में अडानी मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार ही नहीं है और ये सरकार के लिए केवल क्लीन चिट समिति साबित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच ही मामले की सच्चाई को सामने ला सकती है। पार्टी की हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत पूछे गए सवालों की कुल संख्या 100 पर पहुंचने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग पर कोई भी सौदा नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया कि सरकार चाहती है कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले, जिसके एवज में वो राहुल गांधी से माफी की मांग वापस ले लेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हम जेपीसी की मांग को लेकर कोई सौदा करने को तैयार नहीं है।
अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव का बड़ा फैसला, रामनवमी पर 100 युवक युवतियों को बनाएंगे सन्यासी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। यहां आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव रामनवमी के दिन 100 लोगों को सन्यास की दीक्षा देंगे। इसके लिए यहां पतंजलि योगपीठ में नवरात्रि के पर्व पर भव्य सन्यास दीक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 40 महिलाएं और 60 पुरुष रामनवमी पर स्वामी रामदेव से सन्यास की दीक्षा लेंगे। इसके साथ ही लगभग 500 प्रबुद्ध महिलाओं और पुरुषों को स्वामी रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि योगपीठ में स्त्री पुरुष जाति मत पंथ धर्म संप्रदाय की संकीर्णताओं का कोई भी भेद नहीं है और यहां से सन्यास दीक्षा में दीक्षित होकर सभी भाई बहन सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। अपने संबोधन में राम मंदिर पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इससे राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर के साथ साथ ये देश का राष्ट्र मंदिर भी बनेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर का लोकार्पण अगले वर्ष जनवरी में हो जाएगा और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी दो बड़े काम होने बाकी हैं, पहला समान नागरिक संहिता लागू करना और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये दोनों काम भी अगले साल 2024 तक हो जाने चाहिए। आपको बता दें कि 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश के शीर्ष संतों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। अगली बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा से हेमंत विश्व शर्मा ने लिया आशीर्वाद, मुख्यमंत्री को बताया हिंदू हृदय सम्राट। यहां आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात करते हुए और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं बागेश्वर धाम की ओर से ट्वीट में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व को हिंदू हृदय सम्राट कहकर संबोधित किया गया है। जानकारी दी गई है कि हिंदू नववर्ष के मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असम पहुंचे थे। बागेश्वर धाम सरकार की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर हिंदू हृदय सम्राट और असम के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के विशेष आग्रह और अनुरोध पर पूज्य सरकार का शुभ आगमन, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उन्नति और कल्याण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूज्य सरकार का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम सरकार कहकर संबोधित किया और आभार जताया। हालांकि मुख्यमंत्री का ट्वीट कुछ ही देर में डिलीट हो गया था। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ चुके हैं। अगली बड़ी खबर, भगोड़े अमृतपाल सिंह समेत 4 साथियों पर लगा एनएसए। ये आपको बता दें कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में आज 6 दिन भी पंजाब पुलिस जुटी हुई है। इसके साथ ही अमृतपाल के समर्थकों पर भी लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इसके साथ अमृतपाल के साथियों पर एनएसए लगा दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या पूरा विपक्ष मिलकर 2024 में मोदी सरकार को रोक पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।